नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नई वीडियो में। दोस्तों इस वक्त की बहुत ही बड़ी भर्ती निकल कर आ चुकी है, यानी बिहार सरकार पंचायती राज विभाग के अंतर्गत 5000 पदों पे एक नई भर्ती निकल कर आ गई है, जिसको लेकर आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दिया गया है। तो अगर आप भी कम से कम यानी इंटर पास है, अगर साथ साथ कंप्यूटर कोर्स भी किए हैं, तो आप इसके लिए इलिजिबल है, आवेदन कर सकते हैं। तो इस भर्ती से जुड़ी हर एक जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर दीजिएगा। जो भावना में खो जाते हैं तो वीडियो को भी लाइक नहीं करते तो हमें अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए इस भर्ती के बारे में हर एक जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, ताकि आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और कौन कौन से पदों पर भर्ती आ रही है इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। भर्ती से जुड़ी हर एक जानकारी समझने और जानने के लिए सबसे पहले आपको इस वाले वेबसाइट पर आना होगा, जो कि वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है। जिस उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो www.biharhelp.in के वेबसाइट पर चलेंगे, जो कि बिहार का नंबर वन एजुकेशन वेबसाइट है। यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा आपको स्क्रोल डाउन करेंगे तो लेटेस्ट जॉब का ऑप्शन आपको देखने के, इसी कॉलम में आपको नीचे को स्क्रोल डाउन कर देना है। स्क्रोल डाउन जैसे करेंगे इस तरह का आर्टिकल मिलेगा, बिहार एससी इंटर लेवल वैकेंसी 2023, इस पे आपको क्लिक कर देना है। हालांकि हम डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है डायरेक्ट इसी वाले पोस्ट का लिंक दे रखा है, जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इस भर्ती के रिगार्डिंग हर एक जानकारी देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ समझ सकते हैं जो भी बात कर लेते दोस्तों, आवेदन प्रक्रिया यानी कि लास्ट डेट की रखा गया 11 नवंबर 2023 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट रखा गया जो कि 27 नौ 2023 इसको शुरू कर दिया गया था, आप सभी को पता होगा। अगर अब चलिए मेन मुद्दा जो है पंचायती राज विभाग की तरफ से जो भर्ती निकल कर उसके बारे में बात करेंगे, और भी विभाग का अलग अलग विभाग के अंदर भर्ती निकल कर आ रही है। तो आप यहाँ सबसे पहले डेट के बारे में समझ लीजिएगा, यानी कि लास्ट डेट 11 नवंबर तक रखा गया, जो कि एज की बात करते हैं 18 से कम और 42 अत्यधिक आपका होना चाहिए, आप तो अभी इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और बात करते हैं नीचे के स्क्रोल डाउन करेंगे तो जो भी यानी डेट वगैरह के रिगार्डिंग इसमें जानकारी बताया गया, तो सबसे पहले आप समझ लीजिएगा कि अगर आप इसके लिए आवेदन करते हैं तो उसका क्या फीस लगने वाला है, किन कैंडिडेट का कितनी फीस लगने वाला है, कौन सी कैटेगरी का। और वहीं पर URBC और EBC मेल कैंडिडेट है तो आपको 540 रुपया देना पड़ेगा, ऑनलाइन आवेदन इसका प्रक्रिया चलने वाला है, आपको बता दें हम वहाँ पे 540 रुपया देना पड़ेगा। वहीं से और ST के लिए 135 रुपया लगने वाला है, और ऑल कैटेगरी डिसेबल्ड कैंडिडेट के लिए यानी विकलांग कैंडिडेट के लिए 135 रुपया लगने वाला है, यानी कि जो भी UR और BC और EBC मेल कैंडिडेट के लिए 540 रुपया लगने वाला, नहीं तो बाकी सभी कैंडिडेट के लिए 135 लगने वाला। वहीं पर अदर कैंडिडेट है बिहार मेल एंड फीमेल है तो 540 रुपया लगेगा, यह देख सकते हैं ये बताएगा। अब इस कैटेगरी में आप समझ सकते हैं कि कौन कौन से कैटेगरी में मतलब कितना वैकेंसी दिया गया है, कौन कौन से बात गया है, तो आप यहाँ देख लीजिएगा। अब चलिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के इसके रिगार्डिंग जो जारी किया गया उसके बाद हम सब आपको बता देते हैं, ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो समझने में। जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देख सकते हैं क्विक लिंक ऑप्शन आपको दिए गए, यहाँ से भी आप डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं, अपना फॉर्म वगैरह है जो भी भर सकते हैं। अब इसको लेकर जो भी नोटिफिकेशन रिलीज किया गया इस पर आपको क्लिक कर देना, जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप तो इस तरह के नोटिफिकेशन आपके डिस्प्ले पर शो हो जाए। देखते बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ये भर्ती ली जा रही है, जो कि नोटिफिकेशन रिलीज किया गया, इंटर स्तरीय पद पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाले इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन जारी किया गया, जो भी इसका ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होगी 27 नवंबर 2023 कर दी गई है, लास्ट डेट 11 नवंबर 2023 तक रखी गई है। तो यहाँ से हमने बहुत सारे वीडियो भी बनाए हैं, इस पर नहीं देखे तो आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, तो हम सभी भर्ती के बारे में बात नहीं करेंगे। अगर आपको नोटिफिकेशन देख ली है तो आप सभी भर्ती के बारे में देख लीजिएगा। अगर बात करें तो लिम्न वर्ग लिपि का है, जो कि विभाग की बात करें तो पथ निर्माण विभाग के द्वारा ये भर्ती होगी, जो कि लेवल 2 का वेतना मिलने वाला है, सेंचुरी योग्यता इंटरमीडिएट है, और तकनीकी योग्यता की जो बात करें अगर आप DCA की हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जो कि टाइपिंग कोर्स भी आपको देना पड़ेगा, टाइपिंग टेस्ट वगैरह हिंदी इंग्लिश का भी देना पड़ेगा। कैटेगरी वाइज दिया गया कौन से कैटेगरी में मेल कैंडिडेट के कितना रहने वाला है, पिछड़ा वर्ग के लिए 3 रखा गया, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 4, फीमेल के लिए नीचे वाला कॉलम भी आपको दिया गया है, नीचे वाला कॉलम जो भी है ये फीमेल के लिए है, आप यहाँ से देख लीजिए कितना सीट रहने वाला है। अब बात कर ले तो पंचायती राज विभाग के अंतर्गत जो भी भर्ती आ रही है उसके बारे में, अब सभी विभाग के अंदर जो भर्ती आ रही है उसके बारे में बात ना करें, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा अगर वीडियो लंबा हो जाएगा अगर बताने लगे तो, आप एक बार नोटिफिकेशन देख लीजिए, नहीं तो पुराना वाला हमारा वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर हमने बता दिया। अब बात कर ले तो जो भी पंचायती राज विभाग के अंतर्गत जो भर्ती निकाली गई है, जैसे 14 नंबर भर्ती निकाली गई जो कि पंचायत सचिव का भर्ती होगा, और दूसरे में बात करें 15 नंबर देखेगा निम्न वर्गीय लिपि का पद रहने वाला है, जैसे पंचायत सचिव और निम्न वर्गीय लिपि का पद रहने वाला है, जो कि पंचायती राज विभाग
और पंचायती राज विभाग के अंतर्गत ये भर्ती निकाली गई है। ठीक है, जो भी भर्ती निकाली गई, सैलरी की बात करते हैं, लेवल थ्री और लेवल टू का मतलब सैलरी मिलने वाला है। पंचायत सचिव का लेवल थ्री का सैलरी मिलने वाला है और निम्न वर्गीय लिपिक का लेवल टू का सैलरी मिलने वाला है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर आप पंचायत सचिव के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसमें इंटरमीडिएट अथवा समक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ होगा। अगर किए होंगे तो इंटरमीडिएट के बाद से भी अगर आप स्नातक कोर्स किए हैं भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, या इंटरमीडिएट के अलावा और कोर्स भी हैं तो आप आवेदन, यानी कम से कम आप अगर आप इंटरमीडिएट हैं इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसी में बात कर निम्न वर्गीय लिपिक में भी वही बात किया गया, इंटरमीडिएट एंड 10+2 या समक्ष है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दोनों में योग्यता सेम ही रखा गया है। अब बात कर लेते हैं इसमें दिया गया था तो कंप्यूटर पर कंप्यूटर तथा एमएस ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए। अगर आप पंचायत सचिव के लिए करते हैं तो आपको जो भी कंप्यूटर कोर्स अगर किए होंगे एक साल के लिए तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जो भी हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग टेस्ट वगैरह दिया होगा और साथ साथ एमएस और ऑफिस का जो है वो काम आपको ज्ञान होना चाहिए, काम किए होंगे तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और निम्न वर्गीय के लिए बात किया गया कंप्यूटर संचालन टंकटक की ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, नहीं अगर आप कंप्यूटर चलाना जानते हैं साथ साथ टाइपिंग टेस्ट वगैरह है हिंदी और इंग्लिश में आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दोनों में सेम दिया है, इसमें कुछ अत्यधिक दिया गया है एमएस ऑफिस का ज्ञान अगर आपके पास है तो पता है सचिव का करिएगा। अब बात कर लेते हैं इसमें कितना कितना कैटेगरी दिया गया है, तो देख सकते हैं मतलब बताया गया कौन सी कैटेगरी का कितना सीट दिया गया है। इसमें दिया गया 504 और इसमें दिया गया है पंचायत सचिव का जो पद दिया गया है 3532 दिया गया है और निम्न वर्गीय लिपिक का दिया गया 504 पद दिया गया है, जिसमें यहाँ देख सकते 1022 जो महिला के लिए है और 171 इसमें निम्न वर्गीय लिपिक में 171 महिला के लिए है। अब यहाँ से देख सकते हैं और अलग अलग कैटेगरी वाइज दिया गया है, यानी कि बस ये सीट दे दिया गया है। यहाँ से नीचे वाला जो कॉलम देख लेते हैं महिला के लिए और यहाँ के नीचे वाला कॉलम देख लेते हैं महिला के लिए और पुरुष के लिए ऊपर दिया गया है कौन सी कैटेगरी के लिए अभी यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। अब देख लीजिएगा ऊपर के स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ कैटेगरी वाइज बताया गया है कि कौन कौन सी कैटेगरी इसमें रखा गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे अनारक्षित के लिए आर्थिक रूप से कमजोर इसी कॉलम में आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा जल्द से कर ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। दोस्तों अगर आप आवेदन अभी तक नहीं किए तो आवेदन कर लीजिएगा, भर्ती का जो भी आखिरी समय है वो बहुत ही नजदीक आ गया है और इस भर्ती के रिगार्डिंग जो भी आपका और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं। और जो भी इसमें शॉर्टकट तरीका से ये बोला गया VI का मतलब क्या होता है, दृष्टि दिव्यांग, यहाँ से जो लास्ट वाला कॉलम जो दिया गया दिव्यांग कैटेगरी के लिए दिया गया, देख सकते हैं दिव्यांग विद्यार्थी हेतु आरक्षित पदों की संख्या इसमें दे दिया गया है। तो ये शॉर्टकट में नेम वगैरह दिया गया है तो आप यहाँ देख सकते हैं जो भी आपका मतलब एग्जाम वगैरह से रिलेटेड इसमें जानकारी दिया गया है तो आप यहाँ समझ सकते हैं। और यहाँ से जो भी आयु सीमा की गणना किया गया इसमें अनारक्षित वर्ग पुरुष के लिए 37 वर्ष, अनारक्षित वर्ग महिला के लिए 40 वर्ष। आने हमारा पुराना वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें हर एक जानकारी हमने बताया। वीडियो लंबा करने से कुछ फायदा होगा नहीं, आप हमारा पुराना वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें इस भर्ती से जुड़ी हर एक जानकारी हमने बता दिया है, अब वहाँ समझ लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके।